हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सम और डिफरेंस के फॉर्म में होंगे तो उसे कैसे हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो उससे रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग फॉर्मूले देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया फॉर्मूले टू ट्रांसफॉर्म द सम और डिफरेंस इन टू प्रोडक्ट। तो हम लोग पीछे के वीडियोज में देख चुके हैं कि टू साइन ए कॉस बी या किसके इक्वल होता है, तो यह इक्वल होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला में देखे थे टू कॉस ए साइन बी या किसके इक्वल होता है, तो यह होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा फॉर्मूला में देखे थे टू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू, ये किसके होता है, तो कॉस ए प्लस बी और फिर यहां से प्लस कॉस ए माइनस बी। अगला देखिए टू साइन ए साइन बी, तो यह किसके इक्वल होता है, कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के। अच्छा, इस फोर्थ वाले को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहां से हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं, या एक काम करो ना, इसमें माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, यानी आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, ये माइनस में हो जाएगा माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू में इधर माइनस टू साइन ए साइन बी। इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद ये जो हम लोग फॉर्मूले देखे हुए थे पीछे के वीडियो में, हम अब इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पर ये सम और डिफरेंस के फॉर्म में है और इसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बनाएंगे। ऐसे तो आप यहाँ देखो तो ये सम में है, ये प्रोडक्ट में आ जा रहा है, लेकिन इससे नहीं ना, हम अगर मान यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में ना होकर यहाँ पर सिंपल आपका कोई मान लो यहाँ सी दे दे और यहाँ डी दे दे, चलिए हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट ए प्लस बी इक्वल टू में सी एंड ए माइनस बी इक्वल टू में डी, ठीक है। ऐसे इस फॉर्म में ना होके सी और डी यहाँ पे हो, यानी कि जैसे साइन सी प्लस साइन डी आ गया, तो उसको हम लोग कैसे प्रोडक्ट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसी से रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला बनाने वाले हैं। वैसे तो ये आपको दिख रहा है कि ये सम और डिफरेंस में है और ये प्रोडक्ट में है, वैसे नहीं देखना है। यहाँ पे देखिए दो दो हो जा रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जा रहा है, तो हमको इसको सिंगल एक कोई भी रियल वैल्यू ले लेना है और उसके बाद उसे कन्वर्ट करना होगा यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो देखिए अब यहाँ से पहले हम लोग सी और डी का वैल्यू ए और बी से यहाँ से ए और बी के फॉर्म में फाइंड करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दें, देख लो ए प्लस बी इक्वल टू सी और ए माइनस बी इक्वल टू में डी, ऐड करेंगे ये बी कट जाएगा, तो टू ए इक्वल टू में सी प्लस डी, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा सी प्लस डी बाई टू, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ए का वैल्यू सी प्लस डी बाई टू, अगेन देखिए अब क्या करते हैं, अब की बार सबट्रैक्ट कर देते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू में सी और फिर है ए माइनस बी इक्वल टू में यहाँ डी है, सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस प्लस माइनस, ये ए वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ टू बी इक्वल टू में सी माइनस डी, तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या आ जाएगा सी माइनस डी और बाई में टू, ठीक है। तो ए यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ए और बी का वैल्यू मिल जा रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिला ए का वैल्यू सी प्लस डी बाई टू और बी का वैल्यू सी माइनस डी बाई टू, ए का वैल्यू क्या हो गया सी प्लस डी बाई टू और बी का वैल्यू क्या हो गया सी माइनस डी बाई टू। अब देखिए इसके बाद ना, अब हम लोग ए और बी का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा, पहला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन इसके जगह ए प्लस बी की जगह सी आ जाएगा और प्लस ए माइनस बी की जगह पे यहाँ पे डी आ जाएगा, तो साइन सी और प्लस साइन डी इक्वल टू हो जाएगा टू साइन ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा सी प्लस डी बाई टू कॉस बी की जगह पे सी माइनस डी बाई टू, एक फॉर्मूला आ गया। चलिए अब इसके सेकंड वाले में रखते हैं, तो सेकंड वाले में रखेंगे एक ये फॉर्मूला यहाँ पे ये बन गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकंड वाला यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, तो हो जाएगा टू टू
यहां देखिए cos a है, cos a है तो यानी कि हो जाएगा cos a के प्लेस पे क्या आ जाएगा, तो a का वैल्यू है यहां पर c प्लस डी बाई टू, और फिर साइन b है तो यहाँ b के जगह पे क्या आ जाएगा c माइनस डी बाई टू, ठीक है। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, तीसरे वाले में रखेंगे यानी कि इसमें रखेंगे, तो हो जाएगा यहां पर थर्ड नंबर में cos c प्लस cos d इक्वल टू टू, क्या है देख लो cos a cos b है तो a और b का ये वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा टू cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। चलिए अगला एक और हो जाएगा, यहां इस वाले में रख दो, तो यहां पे आप इसे लिख सकते हैं cos d माइनस cos c, यहाँ पे a माइनस b आपका क्या हो जाएगा d हो जाएगा और a प्लस बी आपका c हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा तो 2 sin c प्लस डी बाई टू sin sin c माइनस डी बाई टू। तो ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना, ये सबसे अलग लग रहा है, यहाँ cos d माइनस c हो जा रहा है, तो एक काम करो यहाँ पर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इस वाले में पुट कर दो, इस वाले में पुट कर दो, ठीक है, इसमें माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो या इस वाले में पुट कर दो, आपका ये a प्लस बी और a माइनस बी और a और b का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा वहां से, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस टू माइनस टू साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। इसे हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको और में एक और तरीके से लिख सकते हैं cos c माइनस cos d इक्वल टू में टू साइन c प्लस डी बाई टू, और यहाँ पर ये माइनस इसके साथ लगा देंगे, इसके साथ, इस वाले के साथ, तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला एक जानते हैं कि यहाँ पर साइन माइनस थीटा जो होता है ना माइनस के साइन थीटा के इक्वल है, तो यह यहाँ जो माइनस इसके साथ लेंगे वह माइनस हम लोग ये अंदर लेके चले जाएंगे, है ना, माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन साइन डी माइनस सी बाई टू। तो आप इसका यूज करना, ये बेहतर फॉर्मूला हो जाएगा cos c माइनस cos d माइनस टू साइन c प्लस d बाई टू साइन c माइनस d बाई टू, या कहीं कहीं इसका भी हम लोग यूज करेंगे, इसके यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखा हमने कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, यहाँ देखिए सम और डिफरेंस के फॉर्म में यहाँ पे ये फंक्शन दिए हुए हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इनको भी आप याद रखेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आगे के एक्सरसाइज में बनाने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रवि का आंसर के नाम से, तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।